प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल और पीयूष गोयल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में 7:15 बजे मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। शनिवार को ही एनडीए के सहयोगी दलों एनडीए के बीच इस पर सामंजस्य बना लिया गया था कि किस किस सांसद को मंत्रिपरिषद मोदी मिनिस्टर्स लिस्ट में जगह मिलेगी। राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, अमित शाह कैबिनेट मंत्री, नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री, जेपी नड्डा मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर कैबिनेट मंत्री, मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री, हरदनहल्ली देवगौड़ा कुमारस्वामी नेट मंत्री, पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री, जीतनराम मांझी कैबिनेट मंत्री, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह कैबिनेट मंत्री, सर्बानंद सोनोवाला कैबिनेट मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री, राममोहन नायडू कैबिनेट मंत्री, प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री, जुएल ओराम कैबिनेट मंत्री, गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, अश्वनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट, किरेन रिजिजू कैबिनेट मंत्री, हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री, जी किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री, चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री, सीआर पाटिल कैबिनेट मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन।